हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर योर सीसेट प्रिपरेशन। अब तो बस ऑन द कॉर्नर्स, एक हफ्ते बाद अगले आपका दिन पेपर, तो व्हाट विल बी द न्यू स्ट्रेटजी, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपको पता है? फिलहाल आपको अपने अंदर एक आत्मशक्ति जनरेट करनी है कि हाँ मैं कहूँ जाएगा, क्योंकि अब अगर आप डीमोरलाइजेशन की स्टेट में चले गए ना तो बड़ी सारी दिक्कत आएगी। कॉन्फिडेंस लूज मत होने दो, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना और कॉन्फिडेंस लूज भी नहीं होने देना आपने। आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने आप को ना एक सर्कल के अंदर बांध लो कि कोई भी नेगेटिव चीज़ जो सर्कल में आने मत दो, सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है आपने। अब करना है क्या चाहिए, देखो जो मेरे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो तो आपने करना ही है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एटलीस्ट 2019 से 2021। अब अगर टाइम कम है, वैसे तो मैं ये बोलता हूँ कि सारे ही करो, थोड़ी है पहले तो, बट इतने तो 4 साल के तो करने बहुत जरूरी है। अभी की बात बताऊं, अगर आपको लग रहा है कि हाँ कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है, कुछ हो रहा है, या 2020 से भी आप कर सकते हो, 20 से 23 से तीन पेपर आप कर सकते हो इजीली और हो भी जाएंगे, सारा कुछ इंग्लिश मैथ रीजनिंग सब, ठीक है? तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कुछ जरूरत हो ना आप कुछ पता चल रहा हो 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अरे हाँ, बहुत देखो मेरे को इस नंबर पे ज़्यादा क्वेरीज क्या आ रही है, सर नया बैच कब स्टार्ट होगा? अरे सीसेट का एग्जाम हो जाए, अच्छा सा आप लोग पेपर दे दो, जब हम टाइमली स्टार्ट करेंगे, और पिछली बात करें टाइमली खत्म करके बहुत सारे सेशंस करने हैं हमें, क्लियर? क्योंकि बच्चों को दिखाना पड़ेगा कि हाँ पेपर कैसा आना चाहिए, क्लियर? वो पता चली जाएगा एक हफ्ते के बाद हमें। चलिए नेक्स्ट थिंग इज दैट, यही हमारे पास सिलेक्शन थी, 25 से ज़्यादा सिलेक्शन थी 2023-24 के बैच में, 16 रैंक 63, 78, 112, 121, 135, 141, 213, 215, 319, 336, 387, 391, 428, 603, 755, 785, 803, 929 एंड 2300 प्लस सिलेक्शन इन लास्ट 25 ईयर्स हमारे पास हो चुकी हैं, ठीक है? तो चलिए चलते नेक्स्ट पे। एंड गुड न्यूज़, अगर आप चंडीगढ़ से हैं और चंडीगढ़ में चाहते हैं अभिमन्यु आईएएस को, तो अभिमन्यु आईएएस इज़ बैक इन चंडीगढ़। द एड्रेस इज प्लॉट नंबर 7, ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग, सेक्टर 25। यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस बार कोड फॉर द लोकेशन, स्कैन कर सकते हैं इजीली। चलिए आज का पहला क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्यों है, हर हाल में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है, देखते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम एंड शॉपकीपर क्लेम्स टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल, बट मिस्टेकनली ही कैलकुलेट वन, यानी वन नहीं मतलब वंस प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, इफ द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ही गेट ऑन आर्टिकल इज 8 रुपीज, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। करिए क्वेश्चन, कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, देखो ट्राई करो, उसके बाद की बात है कैसे करना है नहीं करना है। देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल इज सेम, मतलब ये क्वेश्चन है किसका, सेम सेलिंग प्राइस का, सेम सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है, क्लियर है? उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है वो, क्लेम टू गेट 20% प्रॉफिट ऑन ईच आर्टिकल। देखो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या है, सीपीएसपी है, मैं बात करता हूँ पहला आर्टिकल, 20% का मतलब कितना हुआ, 1/5, 5 की चीज 6 में, ये चीज क्लियर है कि 5 रुपए की चीज हम 6 रुपए में कर रहे हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है कि क्लेम किया जा रहा है कि एक को सेलिंग प्राइस पे लिए, सेलिंग प्राइस का मतलब 5, ये 5 था तो ये कितना रहना चाहिए मेरे पास, 4 रहना चाहिए, बिल्कुल सिंपल। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये मेरे पास सेम सेलिंग प्राइस का क्वेश्चन है, सेम सेलिंग प्राइस का मतलब इसको 5 से गुना करो, इसको 6 से गुना करो, तो ये कितना हो गया 25:30 एंड 24:30 आ गया सेम सेलिंग प्राइस। अब ये क्या बोल रहा है आपको, इफ द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट ही गेट ऑन आर्टिकल इज, देखो सपोज करो एक आर्टिकल को आप सेम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हो, मतलब
आप दोनों को भेज एक साथ रहे हो, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हो क्या रहा आपके पास, क्या हो रहा है आपके पास, जो आपने खरीदा है वो कम में खरीदा है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपये आ गई, तो यहां से क्या आ गया 8 × 240, यानी ऑप्शन नंबर ई, आप यहां से 75 225 गुना और 8 × 24 कितना हो गया 182, सारी चीजें आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो सारी चीज यहां से पता चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन क्रॉसेस अंडर अ ट्रेन इन 10 सेकंड्स, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ सेकंड एंड द फर्स्ट ट्रेन इज 4:5, रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रेन इज 1:2, द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। करिए ट्राई करिए क्वेश्चन को प्लीज। अब एडवाइस यही है, कोई नई चीज मत करना, कोई नया चैप्टर प्लीज मत उठाना, जो किया हुआ उसी को और स्ट्रॉन्ग बनाओ। हाँ, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस प्लीज करिए, मैं अभी बता रहा हूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस जरूर जरूर करनी है। ट्रेन क्रॉसेस अंडर ट्रेन इन 10 सेकंड्स, यानी देखो डिस्टेंस तो मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 आएगा, ये तो कन्फर्म है, वो चाहे सेम में हो चाहे ऑपोजिट में हो, ये तो मेरे पास कन्फर्म रहता है, क्लियर है। ट्रेन प्रोसेस अंडर ट्रेन इन 10 सेकंड, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द ट्रेन, द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ ट्रेन, देखो लेंथ ऑफ ट्रेन 1 लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ये कितना दिए 4:5 ये दिए 4:5, ठीक है। अच्छा द रेशियो बिटवीन स्पीड्स, और स्पीड का रेशो स्पीड ऑफ ट्रेन 1 स्पीड ऑफ ट्रेन 2 1:2 दिए, और थर्ड में क्या दे रहे थे, स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 36 किलोमीटर पर आवर। अगर एक को 36 टाइम्स है तो दो भी कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर ने 72 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, ये चीज समझ आ गई। अब बात सुनो, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी क्यों है, क्वेश्चन कांट बी आंसर्ड इवन आफ्टर यूजिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, रीजन क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, इसका रीजन क्या लग रहा है आपको। देखो इसका बेसिक रीजन क्या है, ये मुझे डायरेक्शन नहीं पता, मुझे डायरेक्शन ऑफ ट्रेन्स नहीं पता कि वो सेम है या वो डिफरेंट है, जब तक मुझे डायरेक्शन नहीं पता आई कांट इवन से एनीथिंग, क्लियर। तो याद रखिए, जब तक मुझे रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो मैं माइनस करूंगा, ऑपोजिट होगी तो प्लस करूंगा, क्योंकि स्पीड्स को लेके चलूंगा, क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम आएगा, टाइम डिस्टेंस दी है, ये कितना 9p आ गया, 4p + 5p, रिलेटिव स्पीड पता नहीं टाइम कितना 10 सेकंड्स है, क्योंकि जब या तो प्लस होगा या माइनस होगा, 36 + 72 होगा या 72 में से 36 माइनस होगा, उसको फिर मीटर पर सेकंड में करेंगे, इसीलिए इसका आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी, क्लियर। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो आप छोड़ना नहीं डाटा सफिशियंसी का, ठीक है। नेक्स्ट इज इन एन एग्जामिनेशन देर आर 100 क्वेश्चन, फॉर ईच करेक्ट आंसर 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, फॉर ईच रॉन्ग आंसर 2 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, फॉर ईच अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, इफ अ स्टूडेंट स्कोर 320 मार्क्स देन व्हाट कुड बी मैक्सिमम मैक्स नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड रॉन्ग बाय हिम, कैसे करेंगे। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में होगा 3 वेरिएबल है और 2 मेरे पास इक्वेशंस है, कैसे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन, देखो मैंने माना जो अटेम्प्ट क्वेश्चन है वो एक्स है, अटेम्प्टेड क्वेश्चन एक्स है, रॉन्ग वाई है, और नॉट आंसर्ड जेड है। ये मेरे पास एक्स है, मेरे पास वाई, और ये मेरे पास जेड है, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब मुझे क्या पता है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड मिला के 100 है, मिला के 100 है। अच्छा दूसरी बात वो क्या कह रहे हैं कि अगर 4x हो माइनस ऑफ 2y हो माइनस अनअटेम्प्टेड z हो तो कितना है मेरे पास 320 मार्क्स है। ये दूसरी इक्वेशन बिल्कुल सिंपल से आ गई मेरे पास, बन गई 2 इक्वेशंस, तो 4 से मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम पे लेके जाओ
4x प्लस 4y प्लस 4z इज इक्वल टू 100, 4x माइनस ऑफ 2y माइनस z इज इक्वल टू 320, माइनस प्लस 6y प्लस 5z इज इक्वल टू कितना, अच्छा सॉरी 480 आ गया। तो मुझे निकालना क्या है, रॉन्ग अटेम्प्टेड, रॉन्ग अटेम्प्टेड वाला भाई, 6y इक्वल टू 80 माइनस ऑफ 5z, y कितना आ गया 80 माइनस 5z बाय 6, क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब आप कहोगे सर इक्वेशन बन गई, देखो अगर ये मेरे पास ना होता ना, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड रॉन्ग बाय हिम, तब मैं कह देता यहां पर कैन नॉट डिटरमाइन, बट मैक्सिमम एक बात याद रखना, एक चीज को मैक्सिमम करने के लिए दूसरे को मिनिमम करना चाहिए। तो z का कोई ऐसा नंबर करो जो डायरेक्टली कटने में दिखे मुझे, z इज इक्वल टू 4 पुट करो तो y कितना आ गया 80 माइनस 20 बाय y कितना आ गया से 10, ऑप्शन नंबर भी है, क्वेश्चन ऐसे करना है। तो थोड़ा ध्यान रखो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे करते हुए, क्लियर। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है और कर लीजिए फटाफट, कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर लो 9517771651। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल, नए बैच के लिए भी आप यहीं पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू टू कोन्स ऑफ इक्वल साइज एंड शेप, इफ द बेस रेडियस ऑफ कोन इज 50% ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, फाइंड द हाइट ऑफ द ईच कोन। बताइए, बहुत इजी सा क्वेश्चन लग रहा है ये, मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन मेरे पास। मेंसुरेशन 2 डायमेंशन का क्वेश्चन है। स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस 16 सेंटीमीटर, देखो आपने क्या किया, एक स्फेरिकल बॉल है उसका रेडियस है 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू टू कोन्स ऑफ इक्वल साइज। इसका मतलब इसको पिघला के मैंने क्या किया है, कोन वन, मतलब कह सकता हूं इन दो कोन की जो वॉल्यूम होगी वो मेरी स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर होगी, क्या ऐसा बोला जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ दिस, मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंबाइंड कोन्स, यस। बट इसमें एक बात और बोल दी, इस बेस ऑफ द रेडियस ऑफ कोन इज 50% हाइट ऑफ द कोन, अगर हाइट मैंने 2h ले ली तो रेडियस 2h होगी, h होगी 2h, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ ईच कोन, तो आपको ईच कोन की मुझे हाइट बतानी है, ईच कोन की मुझे हाइट बतानी है। देखो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन वन प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन टू, ये होगा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होगी 4/3 पाई 16 गुना 16 होगी। इन दोनों के लिए क्या होगा 2 इंटू ऑफ 1/3 पाई आर स्केयर, एच इंटू एच इंटू ऑफ आर स्केयर का मतलब, और आर स्केयर एच 2h, ये आ गया। ये बराबर करके बस मुझे h की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। देखो 3 पाई कैंसिल, अच्छा देखो 2 4 कैंसिल, तो कितना बचा एच क्यूब इज 16 का क्यूब, एच कितना का 16 सेंटीमीटर, 2h की वैल्यू कितना है 2 × 16 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी, नोट कीजिए। दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इजी सा क्वेश्चन था, क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट पे चलेंगे फटाफट। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चलते रहने चाहिए। चलिए हाउ मेनी लेटर्स विदाउट सॉरी वर्ड्स स्टार्टिंग विद एस विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड फ्रेंच इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज नॉट अलाउड। डिफरेंस है रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में, काइंडली इसको ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिए इसको जरा।
करो करो ट्राई कीजिए प्लीज। देखो टोटल पहले स्टेज में वर्ड्स कितने हैं ये चेक करो जरा। एक दो तीन चार पाँच छः सात, आपको बेसिकली तीन लेटर का वर्ड बनाना है, बट ये मेरे पास फिक्स है क्वेश्चन में दिया हुआ, यहाँ पे एस ऑलरेडी बैठा हुआ, यहाँ पे एस ऑलरेडी बैठा हुआ, ठीक है। कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड स्ट्रेंज इफ रिपीटेशन ऑफ लेटर इज अलाउड। अब एक बात था, एस चला गया, कितने बचे, छः बचे, यहाँ से स्टार्ट कर लो, यहाँ से कर लो, मैं यहाँ से किया तो टी आर ए एन जी, यहाँ पे छः आउटपुट बची मेरे पास। अब इनमें से कोई एक लेटर लगा दिया तो कितनी बची, पाँच, कौन से रिस, छः पंजा तीस, ऑप्शन नंबर डी। बड़े सारे क्वेश्चन, अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो क्या होता, कुछ भी भर सकते थे, ऐसी दो बार लगा दो, ठीक है, समझ आ गई बात। रिपीटेशन अलाउड और नॉट अलाउड में बड़ा डिफरेंस है। चलिए, टू डाइस आर रोल टुगेदर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ऑफ वन डाइस ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द डाइस। उसने कुछ नहीं बोला फर्स्ट डाइस सेकंड डाइस, कुछ नहीं बोला उसने, उसने एक से बड़ा होना चाहिए दूसरा, बस थोड़ा समझ लो। देखो डाइस बना नंबर क्या, वन टू थ्री, डाइस बना के डाइस टू में क्या नंबर है, ये टोटल मेरे पास केसेस क्या बनते हैं, देखो वन वन हो गया, वन टू हो गया, वन थ्री हो गया, वन फोर हो गया, वन फाइव हो गया, वन सिक्स हो गया, ऐसी बनेगी। इसी तरीके से करके लास्ट मेरा क्या आएगा, सिक्स सिक्स, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने बनते हैं, छत्तीस बनते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। दो के केस में सिंपल, कोई डाउट डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट वो कह रहा है भाई एक दूसरे से बड़ा होना चाहिए, मतलब अगर मैं यहाँ पे आया, जैसे मैंने लिया फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव एंड फाइव सिक्स, ऐसा हो सकता है ना, फाइव इन लेने कर लूँ मैं, छः वन लूँ तो सिक्स वन, सिक्स टू, सिक्स थ्री, सिक्स फोर, सिक्स फाइव, सिक्स सिक्स। वो ये कह रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे वाला नंबर पहले से बड़ा हो, कि इस डैश में बड़ा नंबर है इसमें छोटा है, ऐसा भी तो पॉसिबल है, पहले वाले में बड़ा है दूसरे में छोटा है, समझ लो क्वेश्चन को, सोल्यूशन तो एक सेकंड गेस था। इसका मतलब क्या मैं टोटल में से वो माइनस कर दूं जो मेरे पास क्या है, जो मेरे पास ऐसे नंबर है जो बराबर है, कौन कौन से बराबर है, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, फाइव फाइव एंड, ये छः मेरे पास क्या है, बराबर है तेरह के बाद, तो टोटल नंबर क्या है मेरे पास, वन माइनस ऑफ ये कितने बचे, कितने बचे, छः बट्टा कितना, छत्तीस, क्योंकि अगर मैं बात करूँ कॉमन डिजिट्स की क्या पॉसिबिलिटी है, छत्तीस है, वन माइनस, वन माइनस वन बाय सिक्स, आंसर इज फाइव बाय सिक्स, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, क्लियर। दिस वॉज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब हम चलेंगे नंबर सीरीज के दो तीन क्वेश्चन से, बहुत अच्छे से इजी इजी। चलिए व्हाट कम्स एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, बताइए 588, 562, 6146, 563, 6040। देखो क्वेश्चन तो यार कर दी, बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने, हजारों क्वेश्चन कर लिए होंगे, बट मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, आपने कितना सीखा, आपने कितना सीखा और आप कितना इम्प्लीमेंट करना सीखे, दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड। दूसरी बात क्या है, आप लोग कितना पेपर में उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ये भी सब, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सपना लेके आते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चे सपना लेके आते हैं, घर से निकलते हैं रोज़, मुझे आईएएस बनना है, मुझे ये पोस्ट चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट टाइम ना मुट्ठी में से रेत की तरह फिसलता है। अगर आप देखोगे अभी कल तक
2023 के पेपर की डिस्कशन चल रही थी, 2024 का पेपर हमारे सामने है, बिल्कुल फेस टू फेस खड़ा है हमारे कि हाँ मैं आ चुका हूँ। अभी तक वो दूर दिख रहा था ना, दूर से जो पहाड़ है बड़े छोटे दिखते हैं, अगर जितना आप दूर जाओगे उतना पहाड़ छोटा, बट जितना आप उसके पास जाओगे रियलिटी आपको जब पता चलती है। एग्ज़ाम आपको लग रहा था हो जाएगा, बट एग्ज़ाम आप सामने खड़ा है, कई बच्चों के फ़ोन आते हैं सर नींद नहीं आ रही है सर, एंग्जाइटी होगी सर, क्या करें? अब कुछ नहीं कर सकते आप, अब सिर्फ अपने आपको रिलैक्स रखो, ये सोचना बंद करो कि क्या होगा। यार जो होगा अब होगा, आपको उस पर जोर नहीं है, रीज़न क्या है उसके पीछे? छोटा सा रीज़न है, जिसने अच्छी तैयारी की होगी वो आगे जाएगा, जिसने नहीं की होगी वो फिर दोबारा तैयारी करेगा, यही हो सकता है। जिसने 2023 के पेपर से भी नहीं सीखा उसके लिए तो और भी वर्स कंडीशंस है। तो आपको एक दृढ़ संकल्प चाहिए इतने बड़े लेवल के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। एग्ज़ाम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, एग्ज़ाम को आसान नहीं होता, जो क्रैक कर रहा है वो भी आपके जैसे ही बच्चा है, उसने भी ये सपना देखा है। जब तक आप जॉब नहीं लगे वो सपना ही है, ध्यान रखो इस चीज़ को, क्लियर आगे बात। चलिए 588 562 614 536 640 ये चीज़ें हैं। क्वेश्चन आसान है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, बट अगर मैं इस चीज़ को पकड़ूँ यहाँ पे ऑल्टरनेट क्या दिख रहा है मुझे, प्लस यहाँ पे माइनस, क्या दिख रहा है देखो, 14 प्लस 12 प्लस 26 हो गया, 14 प्लस 26 हो गया। बट इस सीक्वेंस से तो मुझे लेना देने की कुछ नहीं, मेरा आंसर निकले इस सीक्वेंस से, मतलब इस सीक्वेंस से मुझे ये पता चला कि बड़ा बराबर नंबर ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे बराबर नंबर सब्ट्रैक्ट भी होना चाहिए। कितना हो गया, 12 में से 6 और 6, बताओ जल्दी से कितना माइनस हो रहा है। 26 ही लग रहा है मुझे तो, क्योंकि 36 से 42 और 20 माइनस 26, यहाँ भी क्या कर दो माइनस 26 कर दो, कितना आ गया 510। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही आंसर, नोट कर लो जल्दी से, नोट करिए बी सही था, क्लियर। चलो नेक्स्ट, तीन क्वेश्चन ऐसे ही हैं, फाइंड द मिसिंग नंबर की 27 52 102 202 402, बताओ करो। करिए, इजी है, ज्यादा मुश्किल मत समझो इसको, क्या दिया वो 27 52 102 ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, ध्यान से देखो एनालाइज कर रहे, सीखो, बड़ा कोई नंबर है तो ऐड हो रहा है, छोटा नंबर है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसे सीखो। ये कितना है प्लस 25, ये कितना है प्लस 50, ये कितना है प्लस 100, ये कितना है प्लस 200, ये कितना है प्लस 400 आएगा, आंसर इज 802, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई मेरे पास बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर, नोट कीजिए फटाफट से जरा। चलिए 17 41 91 171 293 एंड क्वेश्चन मार्क, करिए क्या दिया, 17 41 91 171 293 लास्ट नंबर बताना मुझे, करिए ट्राई, ये इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल क्वेश्चन है, जिस बच्चे ने ये कर लिया उसके नंबर सीरीज ऑलमोस्ट क्लियर होगी मुझे जहां तक लग रहा है, और होनी भी चाहिए। देखो क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे क्या 24 है, जी हाँ, क्या इसका डिफरेंस 50 है,
बिल्कुल लग रहा है, इसका डिफरेंस अस्सी है, बिल्कुल लग रहा है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए, नेक्स्ट आपके पास क्या है नंबर 122 आ रहा है ना। अब आपको यहाँ पे या तो फर्दर डिफरेंस निकाल के देखो, बट उससे भी मुझे कुछ ज्यादा लॉजिकली दिखेगा नहीं बेसिकली। अब मेरे पास क्या है देखो, समझिए क्या ये नंबर 5² - 1 है, क्या ये 7² + 1 है, 9² - 1 है, 11² + 1 है, यानी 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11 क्लियर। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए मेरे पास, 13² - 1 यानी कितना 168, यानी 293, 168, 7 ऐड करो 300, 161, 300 + 161 461 ऑप्शन नंबर है। तो कई बार देखो मैंने पहले दो क्वेश्चन बड़े आसान दिए, तीसरा क्वेश्चन थोड़ा मैं डिफिकल्ट अलग लेवल का लेके आया, यहाँ से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर हो जाएगी, समझा की बात, यहाँ से लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि कैसे करना आपने, क्लियर। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, क्लियर। चलिए यस वी आर पैक प्लॉट नंबर 7 ग्राउंड फ्लोर पंजाब केसरी बिल्डिंग सेक्टर 25 चंडीगढ़, यू कैन ऑल्सो स्कैन दिस बार कोड फॉर द लोकेशन, क्लियर। चलिए ये हमारे पास 16 रैंक 63, 78, 112, 121, 135, 141, 213, 215, 319, 336, 387, 391, 428, 603, 705, 785, 803, 929, 25 प्लस सिलेक्शन थे 23 ऑफिस के बैच में और 2300 प्लस सिलेक्शन है सिंस लास्ट 25 ईयर्स, सिलेक्शन और हमारा बहुत पुराना नाता है, क्लियर है। 2300 ऑफिसर्स यहाँ से जा चुका, क्लियर। नेक्स्ट इज इफ यू एनी डाउट स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कॉल और व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर 9517771651, क्लियर। चलिए क्रैश कोर्स है, अगर हिम्मत हो तो कर लो, क्योंकि कर सकते हो अभी भी, अभी एक वीक है आपके पास, बट मेरे पास एक और ऑप्शन आपके लिए बता दूं मैं आपको, वो ज़्यादा इफेक्टिव इस टाइम, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा अगर किसी को सिलेक्टेड से बहुत सारे टॉपिक्स करना तो ही और शी कैन गो फॉर द क्रैश कोर्स। चलिए एग्जाम सिविल सर्विस सेट, क्लियर है। ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज माइक्रो कोर्सेज यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैथ एंड मेंटल एबिलिटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा, देखो नंबर सिस्टम 360, सिंप्लीफिकेशन 112, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 132, परसेंटेज 178, लाइन चार्ट 54, टाइम एंड डिस्टेंस 169, एवरेज 138, टाइम एंड वर्क 172, नंबर सीरीज कोई भी चैप्टर आप ले सकते हैं। इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स की बात करें, क्योंकि रीजनिंग एक हैंडी, आपके पास 10 से 12-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश से 10 क्वेश्चन निकाल लेते हैं, 6-7 क्वेश्चन आप यहाँ से निकाल लें, तो आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ईजी हो जाएगा, थोड़ा अगर माइंड को स्टेबल रखे करेंगे। पजल टेस्ट 264 रुपीज़ है, रैंकिंग एंड ऑर्डर 143, रैंकिंग एंड ऑर्डर से हमेशा क्वेश्चन आता है, यहाँ से आपके एक क्वेश्चन पक्का है, क्यूब एंड नाइस स्टेटमेंट, कोडिंग डिकोडिंग से एक क्वेश्चन पक्का आपका, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पक्का, डाटा सफिशियंसी का क्वेश्चन भी आता है, सिलोजिज्म का क्वेश्चन भी आता है आपको, और लास्ट में क्या आता है मेरे पास इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, ये तो आपको पता ही, प्रीलिम्स के लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, वर्ड बिल्डिंग एंड टोनिम सिनोनिम में 668 में। और अगर मैं प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखना चाहूँ आपके पास सी सेट या इंग्लिश का, तो क्या होता है देखो, थोड़ा सा वेट लेगा शायद, मे बी इंटरनेट स्लो होगा, देखिए 23 में 26, 22 में 27, 21 में 27, 20 में 25, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इतने ही क्वेश्चन क्वालिफिकेशन के लिए अच्छे, कोई स्मार्ट स्टडी करने वाला स्टूडेंट होगा ना, वो इंग्लिश कभी नहीं छोड़ेगा, और सिर्फ 668 रुपीज़ में 8 से 9 लेक्चर्स हैं, और धमाकेदार आपके पास सेशंस और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1000 के अराउंड, क्लियर। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगर आप क्रैश कोर्स भी करना चाहें तो आप अगर वीडियो लेक्चर्स में जाएंगे तो आपके पास ये क्रैश कोर्स है, ओनली 69 लेक्चर्स हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, 4 डेमो लेक्चर्स भी हैं, 41 लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं क्वांट के, रीजनिंग ही मिल रहे हैं 19 के लेक्चर, 8 लेक्चर आपको इंग्लिश ही मिल रहे हैं। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। थैंक यू, कोई डाउट हो तो 9517771651 आपका अपना हेल्पलाइन नंबर। थैंक यू।